इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जापा मिश्रा 2023 के लिए बीजेपी अब मेगा प्लान तैयार करेगी। 15, 16 और 17 जुलाई को अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि शीर्ष से लेकर माइक्रो लेवल तक अब प्लानिंग की जाएगी। विजय संकल्प अभियान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो हाल फिलहाल में आपने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा रहा था। भोपाल में उन्होंने दिग्गजों के साथ बैठक ली थी, तो चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए थे, उनके साथ उनकी अहम बैठक हुई थी। और अब मिशन 2023 के लिए बीजेपी मेगा प्लान तैयार करने वाली है। कल माननीय अमित जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। उन्हें भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और उनके विजय संकल्प के मंत्र के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा है और दुगने उत्साह के साथ हम सब लोग काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और उसी विजय संकल्प के अभियान को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से लिया, उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश की धरती को चुना, तो ये सामान्य नहीं, हमारे नेतृत्व का हम सब पर आशीर्वाद है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है और अब मेगा प्लान तैयार करने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए और केंद्रीय नेतृत्व का जब आशीर्वाद मिलता है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं, तो चीजें बदल जाती। आप प्रदेश अध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए कि सब कुछ बदल गया। मतलब जो तमाम सारे लीडर हैं, चाहे हम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह, शिवराज जी, हितानंद जी या मुरलीधर राव जी, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब वो लीडर है, जो नौ लीडर है जो इस पूरे रणनीति को आगे बढ़ाने वाले। कल भी दिन भर बैठक चली, शाम को भी हमने कहा था कि लगभग ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और अब इसकी तैयारी 16 और 17 तारीख को, 15 को सामान्य बैठक रहेगी लेकिन 16 और 17 तारीख को बड़ी बैठक होने वाली है। जो भी रोडमैप तैयार हुआ है उस प्लान पर मोहर लगाएंगे चुनाव के प्रभारी, जो भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव है, वो दो दिन यही रहने वाले हैं। इस बीच में और बाकी की जो तैयारियां हैं वो भी कर ली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड पर है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है और अमित शाह जी के आने के बाद जो एक एक्टिवनेस की जरूरत थी, जो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, वो बड़ी तेजी से कार्यकर्ताओं के बीच में भी और वरिष्ठ नेताओं के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और उसका असर आने वाले दिनों में अब नजर आ गया। क्योंकि कार्यकर्ता भी यही चाह रहा था कि कहीं एक कॉन्फिडेंस की जो कमी थी वो सामने आ जाए और निश्चित रूप से तमाम लोगों के बीच ये दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है, जिसको लेकर बंसल न्यूज लगातार कहता रहा कि क्या और अलग महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, तो मुझे लगता है प्रबंधन की सबसे अच्छी भूमिका में नरेंद्र सिंह तोमर जी आने वाले। चलिए नजरें आप बना रखिएगा मनोज जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए मिशन 2023 के लिए अब मेगा प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री का हाल फिलहाल में दौरा था और उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है।